Yes. Magnesium ribbon burns with a dazzling. On heating, magnesium changes into chemical ka naam aayega na, on changing magnesium oxide. Which of the following gas is formed after the reaction of zinc and dilute sulfuric acid? Calcium oxide react vigorously with water to produce. Reaction of calcium oxide with water is an example of. Very nice. Which of the following is used for whitewashing for the walls? Calcium oxide, quicklime. Which of the following does give a shiny finish to the walls of the 2 or 3 days? ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्, हाँ यहाँ पे कार्बोनेट है तो CO2 अगर ऑप्शन होगा तो डेफिनेटली मिक्सिंग विद, बट द वाइट शाइनी अपीयरेंस इज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. नेक्स्ट इज व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट द रिएक्शन इज कॉल्ड डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मी. आयरन सल्फेट वाली जो रिएक्शन अभी बैलेंसिंग में दी थी, ठीक है, किसमें थी सेट, क्या आंसर है इसका? सी ऑप्शन सेट ए. बैलेंस कर लेते हैं. ठीक है, देन लेड नाइट्रेट वाली पीवी यही थी, आई थिंक ऑप्शन एक थी, ठीक है. इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2:1. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म आफ्टर द डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर प्लस क्लोरीन. तो आपको अलग अलग ऑप्शन है, देन यू हैव टू राइट बोथ करके कुछ करना है. फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. डीकंपोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज यूज इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. अ स्टूडेंट स्ट्रॉन्गली हीटेड हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट इन अ टाइप ब्राइट टेस्ट ट्यूब ब्राउन. कल अभी करके दिखाया है, ब्राउन कलर. अ स्टूडेंट व्हाइल हीटिंग सॉलिड लेड नाइट्रेट टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब वुड ऑब्जर्व येलो प्रेसिपिटेट. A student took solid quick lime in a china dish and added an amount of water. He heard which kind of sound? कैसे? Options है popping, crackling, hissing and no sound. Hissing. क्योंकि popping sound होती है when hydrogen, जो अभी कल करवाया हमने कहा कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाला, what kind of the sound is produced? Hissing sound. मतलब बीच में से बबल्स निकल रहे, दैट इज द हिसिंग साउंड. पॉपिंग व्हेन बर्निंग मैचिंग, जैसे कल हमने करा, एकदम से यू ऑब्जर्व कैसे वो क्रैक करते हैं, ठीक है, दैट इज द पॉपिंग, राइट. नेक्स्ट है स्टूडेंट, सॉरी, द कलर ऑफ द गैस इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग सॉलिड लेड नाइट्रेट. कलर ऑफ द गैस इवॉल्व्ड ऑन हीटिंग सॉलिड लेड नाइट्रेट ब्राउन. इसको ये पूछ रहा है वो कि कौन सी गैस का कलर, कौन सा गैस का कलर ब्राउन, ऑक्सीजन कलरलेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का ब्राउन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ क्लीन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द सॉल्यूशन कलर चेंजेस टू ग्रीन. नेक्स्ट है समीर, ऐड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड टू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट to show that iron is more reactive than copper, correct procedure is,
क्या तरीका है? प्रोसीजर सुन लो. प्रिपेयर फेरस सल्फाइड सॉल्यूशन एंड ऐड डिप कॉपर स्ट्रिप इन इट. प्रिपेयर कॉपर सल्फाइड सॉल्यूशन एंड डिप आयरन स्ट्रिप इन इट. ठीक है, आगे वाले तो नहीं है, तो नहीं, सेकंड वाला नहीं. आफ्टर हीटिंग, अच्छा ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना. आफ्टर हीटिंग द सरफेस ऑफ द कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर उसको हीट करा, देन इट फॉर्म्स अ ब्लैक कलर. कॉपर क्या बनेगा? CuO. कॉपर ऑक्साइड इज ऑफ ब्लैक इन कलर. ठीक है, ये उन्होंने गिवन है. क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस, व्हाई हैज दिस ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म ड्यू टू एडिशन ऑफ कार्बन, ड्यू टू एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्यू टू एडिशन ऑफ व्हाट काइंड ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड एंड ऑक्सीडेशन. इनमें से अगर मैं वो पूछ ले कि सेल का रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, किसकी हुई? कॉपर की. कॉपर में ऐड होता है कॉपर ऑक्साइड पर ना, तो कॉपर में क्या हुई? ऑक्सीडेशन. तो रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या है? कॉपर. ठीक है, क्वेश्चन बच्चे ये बात कर रहे हैं ना, Cu plus O2 give rise to CuO. तो उससे अब यहाँ पे इसमें एडिशन हुई, इसमें हुई, ये आंसर है आपका. तो ये आपका ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट बोथ. A student noticed that silver jewelry turned dull and black, had a gray-black film over on it. ठीक है, after few months, wearing after few months, what result in the change of the silver metal? Ag2s silver sulfide होता है. ठीक है, that is the H2S2 present है. अब इन्होंने option क्या given है? They said dust deposit over the jewelry. No. Polish over the jewelry was removed after wearing? No. Silver breaks due to the wear and tear? No. The jewelry, सुन लो उसकी पूरी option. The jewelry comes in contact with air, moisture, acids and corrodes. ठीक है, no doubt उसमें acid react कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं present तो वो air और moisture में है. That's why it is the air, moisture and acid and then corrode. Ag2CS. Ag2S. सिल्वर सल्फाइड रिएक्ट होगा ना, लेकिन उसपे जो ब्लैक कलर की कोटिंग है वो सिल्वर सल्फाइड थी. अ स्टूडेंट नोटिस दैट अ न्यू हैमर मेड ऑफ आयरन इज अ शाइनी व्हाइल एन ओल्ड वन केप्ट इन द टूल बॉक्स फॉर लॉन्ग टाइम हैज रेडिश ब्राउन पाउडर ऑन इट. व्हाट डज द चेंजेस इन द कलर ऑफ हैमर इंडिकेट? What is the difference between rusting and corrosion? Rusting is brown flaky substance appeared on the surface of the metal. Corrosion is when the metal is eaten up. यानी कि when you are seeing कि cooler या gates को brown brown cover लगाए iron nail पे, वो rusting है. लेकिन जब वो खत्म हो जाता है, that is the corrosion. जब वो metal ही हो जाता है powder form. A student noticed that the bread kept out has a green colored coating over it after a few days. What explains the reason for the student's observation? Bread green color aa gaya uske upar after some days. What observation you will observe? Option sun lo, no doubt. I agree, but option sun lijiye. Oils in the bread oxidizes and cause rancidity. Yeah, yeah. Otherwise, ek aur oil wala diya hua hai. Oil in the bread reduces and causes a changes in the color. क्योंकि oxidizes होती है, oxidation होती है, aerial oxidation of fats and the oils. तो पहली option ठीक है. चलिए assertion reason बताओ जरा. Formation of curd from milk is a chemical change. Chemical composition of curd is different from the chemical composition of milk. कैसे सेम हो गया? केमिकल कंपोजिशन ऑफ द मिल्क एंड द कर्ड विल बी डिफरेंट, देन दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द केमिकल चेंज ना, बिकॉज़ न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म हैविंग द डिफरेंट प्रॉपर्टी.
both are correct and the correct explanation of the assertion. क्यों नहीं है? कैसे? बताओ. क्वेश्चन बोलो. क्या था? जिंक एंड कॉपर यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर डूइंग एक्सपेरिमेंट. वो किस फॉर्म में लेते हैं? ये क्वेश्चन था ना. जिंक ग्रेन्यूल्स एंड कॉपर टर्निंग्स. जिंक के ग्रेन्यूल्स होते हैं, कॉपर के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, ठीक है, टर्निंग्स होते हैं, चिपिंग्स और टर्निंग, चिपिंग्स जो छोटे छोटे पीसेस है दैट इज कॉल्ड द चिपिंग्स और द ये वाला जो आंसर है इसका, अगर आप एक दो बुक्स और देखोगे, जो भी KMnO4 है या कोई भी है, जो सिट्रिक एसिड होता है वो कलर ब्लीच करता है, मतलब कलर रिमूव कर देता है. सिट्रिक एसिड इज यूज टू रिमूव दिस, ठीक है. बट इन अदर बुक्स ना समटाइम ऑप्शन गिवन नहीं है. यस्टरडे आई वॉज रीडिंग Here it is written sulfuric acid, potassium iodide, silver nitrate. उसमें तो acid ही है given है.